guys, welcome back to my channel, and finally I'm doing a husband tag video and home is here. Yeah, so I always wanted to do, okay, पहले तो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए because most of my viewers always say that कि आप हिंदी में videos क्यों नहीं बनाते और ये video में हिंदी English actually English में बनाने वाली हूँ because मैं अपने life के बारे में actually हमारे life के बारे में कुछ questions answer करने वाले हैं. मैं अपना दूँगा husband tag. I really wanted to do this video since long. मतलब मैं बहुत time से करना चाहती हूँ. Like जब से हमने date करना start किया था because मेरा YouTube का whole career is because of him. But नहीं हो पाया because as you know in Indian culture you cannot be very open about a relationship and my parents were not comfortable and which I really respect, so मैंने नहीं बनाया. And now since we are married and we have completed successfully 6 months and more than that. Okay. I guess it's 6 months, 7 months? 7 months, yeah. Yeah, Feb 14th is the date, so yeah. We got married, so I was like, it's high time that I should make a video because everybody should meet Om. He's a man of my life and I love him so much. So yeah, what are we going to do is like, main kuch questions padungi and I'm gonna answer those questions. So what are we waiting for? Let's get started. Aha! So the very first question is, how and where did we meet? हम कब कहाँ कैसे मिले? Arena? Yeah. First time we met, yeah, Arena. Yeah, Arena. So Arena is the reason, Arena Multimedia Center. Exactly. We both, हम दोनों graphic और web designing कर रहे थे and मेरे लिए इतना difficult क्यों हो रहा है हिंदी में बोलना. So हम दोनों अपना course कर रहे थे and that was the reason that we met there. We met, yeah, but we never used to talk. या हम लोग क्लासेस में कभी दूसरे से बात नहीं करते थे. इट्स लाइक एक्चुअली मैं बहुत आई एम अ गर्ल, पता है, जो अपनी गली गली गैंग्स में रहना पसंद करती है. दैट्स माय कंफर्ट जोन एंड आई हार्डली टॉक टू गाइस. सो दिस इज़ द रीज़न मैं लड़कों से बहुत कम बात करना, मतलब बहुत टाइम से ही, बहुत बचपन से ही बहुत कम पसंद करती थी. अकेले 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 नहीं, लड़कियाँ और हमेशा मेरे 3 से 4 लड़कियों का ग्रुप हो जाएगा एंड हम हमेशा गर्ली गर्ली चीज़ें पे बात करेंगे. हम बाकी चीज़ों पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट दैट्स माय कंफर्ट जोन. द इशू विद मी वाज गाइस के साथ ज़्यादा रहना इज़ लाइक दे स्टार्टेड लाइकिंग यू, दे प्रपोज, दे मेस अप, दैट्स द थिंग. सो आई यूज टू अवॉइड इट. आई वॉज नॉट, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दोज थिंग्स. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी सराउंडेड विद गर्ल्स, सो दैट वॉज द थिंग. So Arena, exactly, which is located at Fort, was the reason. Now the second question is, what was your first impression? First impression? Yeah. So let first me talk. First impression. अच्छा. Okay. Okay. I know. मैं वापस से lead कर रही हूँ. So mine was like, he's very. So we used to have these projects and all. So that was the time when I noticed him because. यूज़ टू गेट लाइक हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलता था जिसमें हमें काम करना होता था एंड देन वी हैव टू शो इट टू अवर प्रोफेसर. और सो उसमें इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड ऑल. सो बिकॉज ही इज़ इन टू क्रिएटिव फील्ड राइट नाउ ऑल्सो. सो या उसकी वजह से ही गॉट नोटिस्ड एंड या दैट वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज दैट ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव गाय और वेरी सुधरा. Not into like ऐसे घुमा के नजर उस लड़कियों पे देखना विखना नहीं. He is into his own world, creative person, अच्छा वाला. हाँ मतलब अच्छा इंसान, मतलब अच्छा लड़का, ऐसे गंदी नजर वाला नहीं, kind of that. Yours? So my first impression was still is to notice that कि अकेले आते थे and क्लास में कोने में बैठना और वो फ्रेंड आपकी जैनब, दोनों की फ्रेंड है, जैनब के साथ बैठ के कुछ तो बातें करते रहते थे. आई गेस तभी अपने कुप्पी अडॉप्ट किया था. दे यूज टू टॉक अबाउट गुफी, सो दे यूज टू टॉक अबाउट गुफी ऑल द टाइम एंड लाइक एंड सो वन डे आई स्टिल रिमेम्बर क्लास में शी वाज एक्सप्लेनिंग हाउ Goofy reacts to something. So Goofy is a stray dog which we adopted and he was just still a puppy and he was growing. So जैसे एक माँ को अच्छा नहीं लगता अपने बच्चे की story बताना, ऐसे I was just like, so that was his first move. That वो ना अभी उसने ऐसे सीखा था कि ऐसे दो पाँव पे खड़े ऐसे करता था. So I was just telling Zainab कि Zainab पता भी वैसे करते हैं. And I didn't notice कि बाकी क्लास में अपार्ट फ्रॉम जैनब भी कुछ लड़के हैं क्लास में. सब लोग हंसने लगे हैं ना, लाइक क्या हुआ ये. सब लोग मुझे देख के हंसने लगे आवाज सुन के, आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन ओके इग्नोर करके. सो दैट वाज फॉरगेट दैट. द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ माइन वाज शांत रहती है एंड
अकेले में रहती है, I don't know why, but yes, it was. That was just a phase. Yes. But then I was not शांत. उसके बाद तो बोलना शुरू किया, फिर मैं शांत रहने लगा. It's fine. So that's me, yeah. How and where was our first date? So first date was like, हम लोगों ने बात करना शुरू किया था FB पे एंड वी वर फ्रेंड्स फॉर अ गुड इयर्स लाइक या सो हम लोगों ने बात करना शुरू किया एंड देन आई आस्क्ड हर फॉर मूवी एंड शी वाज लाइक मैं जितने भी मूवी के नाम लेता ये देखी हुई है वो देखी हुई है इट्स लाइक क्या यार मतलब इट वाज नथिंग इंटेंशनल ओके नथिंग इंटेंशनल कि मैं इनके साथ मूवी नहीं जाना चाहती थी मुझे नहीं जाना था मैं डायरेक्टली बोल देती सो then I guess I asked her like चलो कुंफु पांडा देखने चलते हैं and she's like वो भी देख लिया मतलब 3D में देखी है क्या हाँ and she's like नहीं says like okay चलो साथ में देखते हैं and yeah so our first date was a movie date which was कुंफु पांडा 2 or 1 yes it was 2 yeah yeah कुंफु पांडा 2 and that too in Metro Theater which is located at Metro yeah yeah So that was the first date and he was the one who asked me out. So yeah, he's the one. Now, coming towards the next question. How did you know I was the one? So, it's like, agar aapki shaadi best friend se ho, so nothing like that, right? So, we were friends and I started मतलब फिर मैं सोचने लगा कि यार ये बंदी इससे अच्छा मुझे कौन जानता होगा and हम लोगों को एक दूसरे की छोटी छोटी बातें पता होती थी सो आई थॉट कि अगर आई मीन शी इज़ द वन लाइक कि अगर मैं मेरी शादी इनसे ही हो जाए तो फिर नथिंग लाइक दैट एंड देन आई प्रपोज्ड हर एंड शी सेड ओके दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेटिंग एंड द रीज़न ऑफ मी नोइंग दैट ही वाज द वन इज I'm a very impatient person. I get angry very, very बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है एंड मैं बहुत ही गुस्से वाली लड़की हूँ हाँ तो मुझे सचिन था जो मुझे उस टाइम पे संभाल ले द पर्सन हु इज़ लाइक जस्ट ऑपोजिट टू मी एंड मेरी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है अगर जैसे मुझे मेरा कुछ चीज़ टूट गया तो मुझे ठीक करने के लिए मैं फेंक दूंगी मैं ऐसी हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई भी चीज़ करने के लिए सो आई सॉ दैट ही होल्ड्स दैट पेशेंस व्हेन इट कम्स टू मी मुझे कितना भी गुस्सा आएगा तो ही विल हग मी लेट मी लाइक मुझे सारा गुस्सा निकाल लेने दो मुझे जो बोलना है बोल लेने दो ही वोंट रिएक्ट एंड ये भी है इट्स लाइक ओ ही इज़ द वन मतलब जो पर्सन आपको आपके वर्स्ट में संभाल ले उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती उससे अच्छा आपको कभी कोई मिलेगा नहीं एंड ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब ही इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज आई यूज टू एन्जॉय शॉपिंग विद हिम आई यूज टू टेक हिम ओनली फॉर माई शॉपिंग एंड ऑल लाइक सो वेन ही वॉज वेन वी वर नॉट डेटिंग ऑल्सो लाइक दैट टाइम ऑल्सो आई लाइक मुझे कुछ भी पूछना है ओ मैम स्टक योर ओ मिस ने क्या करना चाहिए सो आई नो दैट ही इज़ अ पर्सन हु होल्ड्स लाइक हु विल गिव हिज ओपिनियन एकदम ट्रूथफुली ही वोंट थिंक आपको बुरा लगेगा क्या लगेगा जो सच है वो है सो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड बेस्ट थिंग था कि ही नेवर हाइड एनीथिंग जो था एकदम क्लियर था मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा मैं ये चीज़ें पसंद करता हूँ ये नहीं करता हूँ सो ही वॉज नेवर फेक सो दैट वॉज द रीज़न दैट आई नो ही इज़ द वन करके स्पेशली द पेशेंस ही होल्ड्स वेन इट कम्स टू मी बिकॉज ओनली माई मॉम एंड डैड कैन टेक दैट एंड ही वॉज रेडी फॉर इट सो आई वॉज लाइक इज ही इज़ द वन हाउ लॉन्ग हैव वी बीन डेटिंग रिलेशनशिप एंड मैरिज So, relationship, I guess 5 years. And 14th February, that means 7 months in a marriage. Six, seven months. Yeah, 6, 7 months. Probably. Yeah, so. And before that, we were friends for 3 years. Three or four years. Yeah. 3, 4 years. So, that's quite a long, right? Very. Yeah, so. How do you resolve problems? Resolve problems of Payal, so let her go. Like let her do whatever she wants to do. गलतियों से सीखते कहते हैं ना. That's it. I let her do whatever she wants to do. जो बुरा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए नहीं करती तो करना चाहिए. हाँ right he's right so he allows me to do whatever I want and obviously मैं काफी बार वो चीजों से सीखती हूँ. और काफ़ी बार चिल्लाती भी उल्टा कि बताना चाहिए था ना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बट देन ठीक है दैट्स मी एंड ही एक्सेप्ट मी द वे आई एम सो यस नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू टू डू फॉर अ लिविंग एंड आर यू यूजिंग योर कॉलेज डिग्री आई विल गो हेड फर्स्ट ओके सो या
So I hold a degree of master's in communication and journalism, and I'm a content writer. Yes, I'm using my degree because it was a subject in mass media as well as in this. I love writing, and I've been doing that like since I started my career itself. So I am using, and I always insist on taking at least pursuing a basic knowledge, because that is very very much needed. Please apni padhai pe dhyan dijiye. Main ye nahi kehti ki aapko scholar hona chahiye, but basic knowledge or basic education complete karo, because it's a very competitive world and knowledge really helps. Matlab if you're educated, it really helps you. So yeah. And for me, I did my I'm bachelor's in commerce, and फिर मैंने अरीना ज्वाइन किया, एंड आई एम यूजिंग दैट डिग्री आई मीन मोर इनटू लाइक वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, फोटो शूट्स, फोटो एडिट्स, ग्राफिक्स, सो ऑल दोस थिंग्स आई एम इन राइट. सो बेसिकली नॉट अ टीआई बीकॉम, बट देन यू आर यूजिंग योर डिप्लोमा का थिंग, राइट? नॉलेज. सो या ऑब्वियसली, सो वी बोथ आर लाइक इनटू दैट थिंग व्हिच वी पर्स्यूड. यस. सो या, एंड हैप्पीली इन दैट, लाइक वेरी हैप्पी. Next question. My phone is locked. Give me a moment. Yeah. Now, what key elements makes a successful relationship? I'll say understanding. Agar understanding hai, so everything is sorted. I guess the most problem starts from understanding, like what he understands, what she understands. The problem starts from there. Yeah, and for me, it's like understanding to hai, and even trust and communication. Yeah, trust and communication. Yeah. It's very important in a relationship. So I always feel that ye pillars hai, like communication, understanding, and trust. आपको कम्युनिकेट करना रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट, अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कह रहा है किसी चीज़ के लिए, कहीं जा रही है, जा रहा है, या कुछ बता रहा है, उस चीज़ पर आप ट्रस्ट रखो. कोई थर्ड पर्सन आके आपको क्या बोलेगा, यू शुड नॉट लिसन. यू शुड, या यू शुड होल्ड. एंड आई हैव सीन दैट इन अ रिलेशनशिप. हम दोनों को दूसरे पर बहुत ट्रस्ट है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप. एंड इवन द कम्युनिकेशन, काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. मैं नहीं कहती मेरा रिलेशनशिप एकदम फ्लॉलेस है, मैं आर्ग्यू करती हूँ, yes. But the best thing is that in that phase, even if I don't want to talk, I feel a little angry, because मैं वैसी हूँ. ऐसे भी होंगे लोग जो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं सोचती हूँ उस वक्त मैं कुछ ना बोलूँ, मैं शांत रहूँ. वेर इज ओम इज लाइक, टेक इट आउट, सब खत्म करो अभी का अभी, इस आर्गुमेंट को फिनिश करो, सो दैट हम इसको दो घंटे के बाद तक खींचे नहीं. एंड ही इज दैट पर्सन. सो इवन इफ यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट एनीथिंग, लेट इट बी फूड, लेट इट बी जो मैं लेट हो गई उस ओकेशन के लिए, वो पार्टी में जाने के लिए, तो ही इज लाइक उसी टाइम खत्म करो प्लीज, आगे मत लेके जाओ. सो दैट इज द ब्यूटी, इट्स अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. या एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लव अबाउट मी? आई लव हर क्यूटनेस, आई विल से. सो व्हाटएवर शील डू ना, शील डू इट लाइक इन अ वेरी किडिश वे, एंड आई लव दैट. सी राइट नाउ द एक्सप्रेशन, एंड शी इज लाइक मेरा बहुत ध्यान रखती है, लाइक थोड़ा सा भी कुछ हो जाए एंड पूरा घर सर पे उठा लेना. इट्स लाइक अरे ओम को तबीयत नहीं ठीक लग रहा है, पहले ये सब करो, आई मीन पहले ओम का ध्यान दो, फिर बाकी की चीज़ें. सो दीज थिंग्स आई लाइक अबाउट हर, एंड वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू शी सी लाइक पूरा अचीव कर लेती है. लाइक आई हैव सीन अ पैशन इन हर, तभी तो मैंने यूट्यूब चैनल में हेल्प किया. एंड लाइक पहले मैंने सोचा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन आई लाइक कि नहीं यार बंदी को चाहिए करना है. And yes, and it was never a thing for me, like I want to do it in a perspective of a business or something. Yeah, I just wanted to, it was her like, passion. So yeah, it's purely my passion. Like so it's still my passion. Exactly. And I came into video editing because of her only. Yeah, he actually learned video editing because of me. I'm so glad. मतलब इतना प्यार करने में कहाँ मिलेगा यार. मतलब he learned lighting and all, still learning for still me learning, because yeah. He knew my passion towards makeup, and I want to share these things with the people because he knew it, and that's the reason we all started. So yeah, thanks for the compliments, baby. Now coming towards next question, what is my favorite color? It's obvious, big bold pink. I love pink. Yeah, so right, what is my favorite food? Fish. Agree. Food, fish, any kind of fish, like any kind of fish. I mean, she can eat fish 24/7.
And it's mostly like surmai, you know, more surmai pomfret and all. I like, but I love fish. Yeah, generally I love fish. And what food I do not like? Very difficult question. I won't say, like, particular one dish is not there, but I'll say sweet food. I mean, dessert it's fine, but agar normal kisi, like, meal mein kuch meetha hai, like, you know, meethi sabzi hai, ya dal meethi hai thodi si. Sweetness is something. Thoda sweetness jis khane mein ho gaya na, she won't like. I mean, dessert. But but I eat almost everything. Yeah, everything. I'm not a person who's choosy, so she I eat vada pav also. She loves vada pav, by the way. Yeah, I love vada pav. So I eat everything. I respect food, so that's the thing. Now, what is my favorite type of sandwich? Oh my god, it holds a history. So first time we went to a sandwich wala, and I was not knowing, guys, so please don't judge me. So, she literally confused that sandwich wala, and she was like bhaiya ek sandwich dena jisme capsicum bahut fine kaatna, onion kaatna, tomato kaatna, mix karna aur cheese andar dalna aur wo melt hona chahiye taki pizza wale feeling aaye. And that sandwich wala is like kya kya karna tha madam, like cheese chili toast dena hai. So I was not knowing कि उसको cheese chili toast बोलते हैं. So I always used to like मैं कहीं पे भी जाती थी मैं ऐसे instruct करती थी. So yeah, so I'll say sandwiches with cheese chili toast is my favorite. I love that. If I could eat one thing every day, what would it be? I eat it like almost not every day, but second or third day. But she can eat it every day. That is pani puri. Yeah, I love pani puri. Pani puri is so ultimate. Like whenever we go somewhere, like we pani puri khaya le gaya. And that too with ragda and aloo mix. So I love pani puri, and that too from a restaurant. You know, I usually like to eat it from thelas. Exactly. So they make yummy pani puri. So I'm a big fan of pani puri. मतलब कुछ लोग उसे गोल गप्पे भी बोलते हैं. तो गोल गप्पे पता है पूरी. चरनी रोड में there was one. हिंदुजा कॉलेज के सामने एक पानी पूरी वाले हैं. Yeah, उनकी इतनी बड़ी बड़ी पूरी होती है. मेरा मुंह भी नहीं खुलता था. But then I love it. Pani puri is my favorite. Like every day I can eat it. That's nice. Now coming towards next question. You know mine. What is my favorite? Samosa! Do I have to think? He loves samosa. He can eat it like every day. Me and my dad. Haan, both. And morning, evening also. Matlab, din mein kitne baar bhi khilao de, they won't say no. So that's the love for samosa. Yeah. Okay, now who is my best friend? Obviously, only two are your best friend. That is Hema and Arya. He's right, Hema and Arya. They are like my soulmates. And yours will be, do I have to think? Why am I thinking also, like exactly. Pretending to? It's Shyam, Naresh and Bhagesh, like three best friends. Yeah. Right. Yeah, they're very nice people, I'll say that. Yeah, they're not good friends, from I'll heart. Say family. Yeah, they are family. They're very sweet people, very sweet people. Yes, now coming towards next question. What is something I do that you wish I wouldn't? Aise kaun si cheez hai jo aapko nahi pasand hai? Matlab main karti hu but aapko nahi aisa lagta hai ki main nahi karu. ऐसा नहीं करो ओके लेट रेडी हो ना ओके ओके नोटेड मैं क्या करूं मैं कोशिश करती हूं बट यू नो हो जाता है या इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज माय हेरिटेज एंड वेयर आई एम फ्रॉम शी इज फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी And born in, I guess. No, I was born in a native born place. Born in, yeah, native place only. And then brought up in Mumbai. No. Not Mumbai exactly. Yeah. Andaman, Cochin. Ah, he remembers. Vishakhapatnam. Yeah. Vishakhapatnam, then Mumbai. Yeah. So, Mumbai. Since my dad is in defense, Indian Navy, so hum log ka, southern part of India mein hamara basic kafi hua hai. North mein gaye hi nahi kabhi. So yeah, south mein mostly education hua. So yeah, and proud to be from a defense family wala bachcha. Did I play any sports? She used to play, I guess, khoko, kabaddi. Kabaddi, yeah. I don't remember. Maybe, khoko, yes. I used to play both khoko and kabaddi when I was in school. And
I won also, so matlab hamari team jeeti bhi thi. So ye nahi pata tha. Yeah, hum log jeete bhi the. And I was a lot into extracurricular activities apart from sports. So if I remember, like, good handwriting, I'm not praising myself, but I would love to. And rangoli competition dance, like, I won quite a few awards. I was awards, a very like, average so. Student. Like, I was also average student, but I was always into extracurricular. I'm not saying in terms of education. I was average. I was fine. I was doing good. I was not excellent. But then I was always into extracurricular activities. So, yeah. And for you, I guess it was cricket. But that too, you were not cricket? That much into cricket. No, not you all. Used to play like randomly. Whenever but I feel he was not into yeah. sports. I used like, to play like more of carom. Okay, haan, carom and all. Which is also not that much. But, yeah. but then yeah, he was a lot into bachpan, into technical things of every gadgets and all. So he was that guy. What is one unique talent I have? Unique talent? Oh, that. I'll sell makeup. It's not you unique. Do. Everybody does it. Which only I can do. मतलब आपको सिर्फ ऐसा वो मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता. अपनी जिद मनवा. Is that a talent? Okay. I consider that as a talent then. That is a talent. Yeah. Since childhood, I hold this talent. Now coming towards next question, weird habits of each other. I can so much think about it. You can say. He has a habit of nose picking. Matlab this. I don't like it. मैं हमेशा बोलूँगी, ओ मुझे के हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो. How can you do this? And मैं बहुत बहुत irritated होती हूँ. पता है कोई भी नाक में डालता है मुझे बहुत गंदा लगता है. I don't like that. मतलब आप washroom use करते हो, tissue use कर लो washroom में, सब एक साफ कर लो रात को सुबह. But you always keep it in. I'm like, oh ma, don't take this. That's a weird habit of him. But he washes his hand, but then not at least in front of me. Public mein he doesn't do, but bedroom mein he does. Yeah, that's really weird. What about me? Your weird habit? I don't think so. You hold any weird habit? No. I don't. I don't know, matlab, which is weird for you, not for me. Matlab, aapko jo dekhne wala weird lagta hai jo main kar sakti hoon. Never. I don't think so. Nothing. Thanks. Okay, again, my phone is locked. Now, what do we argue about the most? The things he forget. I guess that will be the thing. Okay. Yes. So he is a habit of forgetting things. अगर मैं बोल दूँगी ओम ये करना है and वो चीज़ के लिए वो निकलेंगे भी बाहर but वो वही चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ करके आ जाएंगे. So that is a thing which we argue a lot and yeah. All मतलब I guess that's it. And what is my favorite restaurant? Restaurant? I don't think so. You have any favorite restaurant? But whenever you get fish. I guess that is your favorite restaurant. Yeah, I love fish basically. So, मैं हाँ मेरा कोई favorite restaurant नहीं. Similarly, in case of his also, he's a person who likes to experiment. Yeah, like so, let it be a thela or restaurant or मतलब कुछ भी हो कोई नया restaurant भी खुला हो कोई छोटा सा food joint भी खुला हो he would love to explore. He is that person. New dishes and all. इनका कोई favorite सब मैं बोलूँगी ना खाने में भी as I said samosa is there but apart from that. He's a person who likes to explore when it comes to food and I'm exactly the opposite. Like agar mujhe mera I have this phases. Yeah, agar phases, yeah, yeah it will be like dosa phase to usse mujhe sirf dosa hi khana pasand hai and sandwich phase and all that. So but pani puri never goes off. I agree but then ha so yeah he's a person who likes to experiment with restaurants and for me it has to be fish when I'm going out but I don't have any favorite restaurant. Agree no, on that no. part yeah. And what can I spend hours doing? Makeup. Big bold. Yeah, I can do like मैं पूरा दिन लगा सकती हूँ makeup करने में. I love that. So that's my passion. Should I answer yours also? Like what can he? For him, it will be like watching YouTube videos, but like not normal videos. He loves to watch facts and all such kind of videos. Yeah. And also now he's a lot into like watching.
infrastructure videos is like how DIYs. You can DIYs, yeah. So he loves such things. Mostly, so yeah, that's the thing. Now coming towards next question, which is our second last question, and who was the one to say I love you first, and where was it? In terms of love you, I don't remember. It was I like you, and yes, he texted me. I remember. Yeah, you, we used to chat. So yeah, love you. I don't remember, but then yes, I remember when he did a facial proposal where we went for a lunch after my exams got over of masters. Yeah, one of my friend Muffy was there, so he proposed me in that restaurant. Like that was official proposal. But before that also we never used to say love you. Like no. We used to like each other, and it was very, very official, and it was very obvious for many people. But it was not a proposal. That was the day. Like it was 5th May 2013. Yeah. So yeah. So there where exactly the story started. Yeah. So what is the most repeated, that's the last question by the way, what is the most repeated phrase or sentence I say? Hey Bhagwan. Yes, so I always keep on saying hey Bhagwan. Meri madad karo. So I say that repeatedly. I don't know how many times I say hey Ishwar, hey Bhagwan. मतलब ईश्वर को आई कीप ऑन रिपीटिंग सो दैट्स द थिंग सो दैट्स द थिंग या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप यू एंजॉयड इट अगर आप चाहते हैं कि हम वापस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दें आप बता सकते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्लीज बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ यू वांट टू लर्न अबाउट फोटोशॉप और समथिंग यू कैन जस्ट पुट इट इन द कॉमेंट आई विल आस्क ओम टू मेक अ वीडियो अबाउट इट सो दैट ही कैन हेल्प एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ इट एंड इफ यू वॉन्टेड टू स्टार्ट योर ओन चैनल और समथिंग he can help you guys. And if you like this video, then do thumbs up, please kijiye, and please thumbs up. Share with your friends. Yes, and so that show love to him at least, so that he should come to on my channel in front of the camera more time, more frequently. And do share the video with your friends and family. And do follow me on Instagram, Twitter, and Facebook. That's it for the video. I hope you enjoyed it. And at the last, I'll say take care. Stay pretty. Stay pretty.